53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अभी चालू है गोवा में, और इस मौके पर एक शानदार बात गोवा से शुरू होने वाली है। मुझे लगता है गोवा के लोग, हम सब लोग क्लीनिनेस को कितना मानते हैं और कितना उसको फॉलो करते हैं, हमें सबको पता है। यस, कुछ बातें रह जाती है, लेकिन वो बातें और वो कसर पूरा करने के लिए क्लीनथॉन जो एक ड्राइव है वो कल से शुरू। हमारे साथ करण सर है। करण, वेलकम टू गोवा। थैंक यू। गोवा कैसे लगते हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोवा में जब लैंड होते हैं ना सर, सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है? कल्चर। वाओ, कल्चर। देखिए, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, मैं कल्चर ऑब्जर्व करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यू नो, गोवा बहुत सेफ है, गोवा बहुत फ्रेंडली है, गोवा एक्सेप्टिंग है लोगों को। और मैं इससे बड़ी बात क्या कहूँगा कि अगर मेरे मॉम डैड जैसे भी ओल्ड एज में जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर सेटल हो। यू नो, इतना मल्टी कल्चरल है, इतने प्यार दिखे, इनकी स्माइल दिखी है, यू नो, इट्स सो वेलकमिंग। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, एंड हिस्ट्री है गोवा की, कल्चर्स हैं, यू नो, देर इज एन एनवायरमेंट जो कि आप देखिए, बीच, हमारी बीच लाइन कितनी है हिंदुस्तान की, पर गोवा ही फेमस है, कुछ तो होगा ना। सर, एक बात जो मैंने देखी है कि कई बार ऐसे होता है कि हाँ, लोगों के दिमाग में नहीं होता कि हाँ कचरा करेंगे या फिर ये करेंगे, गलती से एक बार हाँ छूट जाता है या फिर कोई अरेंजमेंट नहीं रहता तो वही रख देते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर नहीं होना है तो आपकी तरफ से क्या मैसेज? ये मैंने जेब में रखा हुआ अपना। क्या बात है, मैं टिश्यू यूज़ किया है, मैं इसको कहीं भी रख सकता था, पर ये मेरी पॉकेट में, ठीक है। अभी लोग क्या करते हैं, गाड़ी में अपनी गाड़ी में कचरा क्यों, पर अपने देश में कचरा कर रहे हो यार, ठीक है। गलतियां होती हैं, पर सुधारना भी ज़रूरी होता है। सर, कल सुबह 7 बजे मीरामार बीच से शुरू होने वाले है, वन मैसेज, क्योंकि गोवा के यूथ आपको फॉलो करते हैं। प्लीज़, मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर कि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं क्लीनथॉन के थ्रू। तो अगर आप हैं अवेलेबल और अगर आपका स्कूल या कॉलेज मिस नहीं हो रहा है तो ज़रूर आइएगा, 5 मिनट के लिए आइएगा, बट डू योर बिट। सर, आप आ रहे तो मिस करके बंक करके आएंगे सर? बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर।